इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर सिटी ब्रांच के महाराष्ट्र स्टेट चैप्टर द्वारा आयोजित तीसरे युवा महाकौन 2023 की मेजबानी कर रहा है। 5 और 6 अगस्त 2023 को होटल सेंटर पॉइंट रामदास पेट नागपुर में, 4 अगस्त 2023 को प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के साथ आयोजित किया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद के दौरान दी गई। कार्यशाला इंदिरा गांधी शासकीय वैद्य महाविद्यालय नागपुर में प्रस्तुति से दर्द रहित प्रसव और कठिन वायु मार्ग प्रबंधन पर और शालिनी ताई मेते अस्पताल और दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज वाना डोंगरी में अल्ट्रासाउंड USG निर्देशित क्षेत्रीय संज्ञाहरण पर है। युवा महाकौन एक राज्य स्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रम है जो युवा एनेस्थियोलॉजिस्ट को असाधारण वैज्ञानिक सामग्री प्रदर्शित करने और उत्कृष्टपूर्ण नैदानिक कार्य प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करता है। आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश रमतानी ने बताया कि सम्मेलन में महाराष्ट्र और प्रदेश के बाहर से करीब 500 प्रतिनिधि शामिल होने आ रहे हैं। डॉक्टर एच के साले पुणे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बधिकरण संगठन उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष होंगे। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय विधिकरण संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर ओमेश्वर है। डॉक्टर विपिन इटनकर कलेक्टर नागपुर जिला ने विशिष्ट अतिथि के रूप में सहमति दे दी है। डॉक्टर जिगिशु दिवालिया नवनिर्वाचित अध्यक्ष ISA नेशनल, डॉक्टर सुखमिंदरजीत सिंह बाजवा सचिव IIM राष्ट्रीय, डॉक्टर चारुता गडकरी उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य बधिकरण संगठन, डॉक्टर अविनाश भोसले सचिव इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेनोलॉजिस्ट महाराष्ट्र राज्य चैप्टर समारोह के विशेष अतिथि है। ये एक स्टेट लेवल युवा कॉन्फ्रेंस ऑफ एनेस्थीजिया है जिसमें सारे जो फैकल्टीज़ और स्पीकर्स हैं वो 45 इयर्स के नीचे हैं, इसलिए इसको युवा महाकौन बोला गया है। ये ISA नागपुर इसको होस्ट कर रहा है और महाराष्ट्र स्टेट चैप्टर ISA इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें हमें 500 डेलीगेट्स के रजिस्ट्रेशंस मिले हैं जो ऑल ओवर महाराष्ट्र एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र हैं। इसमें प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स जो कार्यशाला बोलते हैं वो हमने ऑर्गेनाइज़ की हैं जो 4 अगस्त को है। इसमें 3 प्रकार की कार्यशालाएँ रहेंगी। 1 इज़ डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि श्वास नलिका जो हम डालते हैं एनेस्थीजिया में उससे रिलेटेड संबंधित जो रीसेंट एडवांसेस हुए हैं उसके बारे में वो कार्यशाला रहेगी। दूसरी कार्यशाला रहेगी वेदना रहित प्रसूति के संबंध में। ये दोनों कार्यशालाएँ IGMC नागपुर में कंडक्ट की जाएंगी। तीसरी जो कार्यशाला है वो है रीजनल एनेस्थीसिया, जो कि हम किसी बॉडी के किसी एक भाग को एनेस्थीसिया देते हैं, सुंगनी देते हैं। तो उसमें आजकल रीसेंट एडवांस ये हुआ है कि USG मशीन के द्वारा हम वो नर्व ब्लॉक्स लगाते हैं और वेरियस टाइप के एनेस्थीसिया उसमें एडवांस हो गया है। तो दिस वर्कशॉप इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड एट शालिनी ताई हॉस्पिटल एंड दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज वाना डोंगरी। ये भी 4 अगस्त को ही है। कॉन्फ्रेंस है 5 एंड 6 अगस्त को और उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी रहेगा 5 अगस्त को ही 5:30 PM टू 7 PM। MSC ISA की उपाध्यक्ष और ISA नागपुर की पूर्व अध्यक्ष चारुता गडकरी ने गर्व से कहा कि MSC ISA के अध्यक्ष डॉक्टर HK सेल और MSC ISA के मानद सचिव डॉक्टर अविनाश भोसले के तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम के आयोजन में नागपुर टीम ने कोई भी कोना अछूता नहीं छोड़ा है। नागपुर बधिकरण संगठन की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शिंगाड़े ने बताया कि सम्मेलन की पूरी आयोजन टीम ने कार्यक्रम की सफलता के लिए कड़ी मेहनत की है। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।